हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एट होम. सो इन दिस वीडियो आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 13.1. इन द प्रीवियस वीडियो आई ऑलरेडी कवर्ड ओवर देयर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. ओके, क्यूब, क्यूबॉइडल. सो दिस एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट एरिया, एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइडल शेप. सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ. फर्स्ट क्वेश्चन, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड एंड इट इज ओपन एट द टॉप. इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, डिटरमिन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स. एंड सेकेंड, वी हैव कॉस्ट. वी हैव टू ऑल्सो फाइंड आउट द कॉस्ट. वेन वी हैव गिवन 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज ₹20, राइट? सो यहाँ पर सबसे पहले हमें एरिया निकालना है. और जब यहाँ पर डायमेंशन तीनों अलग हैं, इट मीन्स दिस बॉक्स इज अ वी हैव हेयर ऑफ क्यूबॉइडल शेप. यहाँ पर ये जो क्यूबॉइडल शेप का जो बॉक्स है, ये ऊपर से क्या है, खुला हुआ है. इट इज ओपन एट द टॉप. तो हमें यहाँ पर सबसे पहले इसका एरिया निकालना है, केवल टॉप फिगर को छोड़कर. एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन नंबर 1, राइट? एक क्यूबॉइडल शेप है हमारे पास. और ये जो क्यूबॉइडल शेप है, ये ऊपर से क्या है, ये वाला फेस जो है इसका खुला हुआ है, राइट? इट्स ओपन. ये जो फेस है ऊपर का, टॉप का, ये क्या है, ओपन है. तो यहां पर क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में हमें, गिवन इज लेंथ इज 1.5 मीटर, ब्रेथ इज 1.25 मीटर एंड हाइट इज 65 सेंटीमीटर, राइट? एक डायमेंशन हमें सेंटीमीटर में दी हुई है, तो हम क्या करते हैं, बाकी को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. एज यू नो दैट 1 मीटर इज वॉट 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज वॉट 100 सेंटीमीटर, राइट? सो यू कैन कन्वर्ट इट लेटर. फर्स्ट राइट डाउन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर. सरफेस, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स. इस एरिया का बॉक्स क्या, इस एरिया का जो सरफेस एरिया है वो क्या है, राइट? तो हम क्या करते हैं, पहले इस केस में हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे. पहले उसमें से हम टॉप का जो एरिया है वो माइनस कर देंगे, ठीक है? उससे हमें क्या मिलेगा, हमें एरिया ऑफ बॉक्स मिल जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स व्हेन टॉप फेस इज ओपन, राइट? एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट. एंड सेकेंड पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट हेयर टोटल कॉस्ट. क्या कैलकुलेट करनी है, टोटल कॉस्ट. दो चीजें मुझे नजर आ रही है यहां पर. टोटल कॉस्ट ऑफ द बॉक्स वी ऑल्सो हैव टू फाइंड आउट. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका क्या है, आप यहां पर जो डायमेंशन दी हुई है उसको पहले आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो. एज यू नो दैट 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, सो इट विल बी 150 सेंटीमीटर. And breadth is what? 1.25 meter. It will multiply by 100. It will be 125 centimeter. And h I already have 65 centimeter. Right? Now just apply here the formula. Surface. Surface area of the box. Total surface area nikal rahe hain. Wo kya hai? Twice of LB plus BH plus HL, right? तो यहां पर L into B it means 150 into 125 plus 125 into 65 plus 65 into 150. ये आपको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया. लेट्स सी वट वी आर गेटिंग एट द एंड. So after multiplication, let's see what we will have here in this case. 15 into 125, it will be 7, 8,
1, right? And 0 will come. Now what about 125 into 65? So it will be 8125. Similarly, you have to also do this this section. And 750, right? So this is we are getting at the end. Now add all these three values. So after adding all these three values, see what we will have. ये जो भी हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये सब हमें कैलकुलेशन मिल रही है सेंटीमीटर में, क्योंकि हमने जो डायमेंशन थी उसको कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर में. नाउ जस्ट सिंप्लीफाई इट. So we are getting at the end after adding all these values 36,625. Now multiply it by 2. After multiplication, see what we will have. Right? And this result will come in centimeter square. Okay. So this is the surface area. This is the first part of our question. सोल्यूशन. नाउ सेकेंड पार्ट इज वॉट, जो कोस्ट हमें दी हुई है, राइट? कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज गिवन टू अस 20 रुपीज, राइट? सो हियर टोटल शीट, टोटल कोस्ट ऑफ शीट, जो भी इस बॉक्स के बनाने के लिए शीट हम यूज कर रहे हैं, राइट? उसकी टोटल कोस्ट क्या होगी? Just multiply this area by 20 rupees, right? ये कोस्ट जो हमारे पास है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये चीज ध्यान रखिएगा. लेकिन जो हमें कोस्ट दी हुई है वो मीटर स्क्वायर में दी हुई है. देन ट्राई टू जस्ट कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू मीटर स्क्वायर. It will be 7.325 meter square, right? Now just multiply this result by 20 now. इसको आपको simplify करना आना चाहिए, ठीक है? So it will be 7325 into 2/100, ठीक है? इसको जो भी solve करके आएगा, that will be your answer. But one more thing I just recalled here, हमें यहां पर जो पूछा गया है एरिया, वो पूछा गया है जब क्यूबॉइडल ऊपर से क्या है, खुला हुआ है. अभी हमने क्या फाइंड आउट किया है? टोटल सर्फेस एरिया. अभी इस टोटल सर्फेस एरिया में से हमें जो टॉप वाला पार्ट है, ये टॉप वाला पार्ट, ये भी सब्ट्रैक्ट करना बाकी है, राइट? सो अभी हम क्या करेंगे, कॉस्ट जो है हम अभी फाइंड आउट नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि ये वाला सेक्शन अभी रहने दीजिए. हियर वी हैव 7.325 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया. अब इस टोटल सरफेस एरिया में से हम टॉप वाला पार्ट माइनस करेंगे. टॉप वाला पार्ट समझो पहले. टॉप वाला पार्ट में क्या है, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ, राइट? सो here area of top part of the cuboidal box we have to find out area of top part, right? तो वो क्या हो जाएगा, length into breadth, right? Length मुझे क्या दी हुई है, 1.5 meter. Breadth क्या दी हुई है, 1.25 meter, right? Just simplify this. So
सो हेयर इट विल बी 1.875 मीटर स्क्वायर. ओके, तो ये क्या है आपका एरिया ऑफ टॉप पार्ट. अब यहां पर जो पूछा गया है उसका आंसर करना है, राइट. सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स व्हेन टॉप पार्ट इज ओपन, राइट. तो यहां पर हमने टोटल सरफेस एरिया में से क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ टॉप विच इज 1.875. इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी आपकी सरफेस एरिया की वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, देखते हैं क्या आता है. 12 माइनस 7 इज 5 एंड दिस इज 2. 12 माइनस 8 विल बी 4 एंड 6 माइनस 1 इज 5. सो द रिजल्ट वी आर गेटिंग एट द एंड 5.45 मीटर स्क्वायर. ये क्या है आपका, ये है सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स. ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की. जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पर जो भी बॉक्स हमारे पास अब बना है ना तैयार होके, उसके अंदर हम एक शीट लगा रहे हैं, उसको डेकोरेट कर रहे हैं. तो यहां पर जो कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 20 रुपीज. सो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे, जब हमें रेट ऑफ शीट दिया हुआ हो, रेट ऑफ शीट इज गिवन टू अस 1 मीटर स्क्वायर, रेट ऑफ शीट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज गिवन टू अस 20 रुपीज. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट ऑफ शीट विल बी फॉर द बॉक्स. क्या करेंगे, जो भी हमारा सरफेस एरिया आया है उसको क्या करेंगे हम, कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, सो कॉस्ट विल बी 109 रुपीज. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू बेटा. यहां पर एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको हिंट देती हूँ, वो आपको खुद करना है. ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम. इस तरह के क्वेश्चन आपने 8th क्लास में भी किए हैं, राइट. तो यहां पर क्या दिया हुआ है कि जो वॉल है केवल, ठीक है, हम यहां पर क्यूबॉइडल शेप की केवल वॉल्स की बात कर रहे हैं. तो हमें यहां पर जो एरिया निकालना है वो निकालना है वॉल्स का, एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ वी हैव गिवन. यहां पर जो कॉस्ट दिया हुआ है साथ में, देखो यहां पर जो व्हाइट वॉश हो रही है वो वॉल पर हो रही है और सीलिंग पर हो रही है. ठीक है, तो और उसका जो कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 7.50 मीटर पर मीटर स्क्वायर गिवन है, राइट. तो ऑब्वियसली बात है यहां पर पहले सरफेस एरिया निकालेंगे फिर उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इस केस में आपको क्या अप्लाई करना है, यहां पर मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बताती हूँ. जो सरफेस एरिया आप लगाओगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स लगाओगे, वो क्या होता है, ट्वाइस इंटू एच इंटू एल प्लस बी. ये क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस सीलिंग. सीलिंग हो या फिर आपका बेस हो, हमेशा जो एरिया होगा वो होगा एल इंटू बी. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, जो भी रिजल्ट आएगा इसको कैलकुलेट करके आपको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट. बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है ये क्वेश्चन, राइट. नाउ आई एम जस्ट टेकिंग हियर नाउ क्वेश्चन नंबर 5 विच इज क्वाइट डिफरेंट. अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई. मेरे पास यहां पर 2 चीजें हैं, एक है क्यूब और एक है क्यूबॉइडल बॉक्स. तो यहां पर ये पूछा गया है कि विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सर्फेस एरिया एंड बाय हाउ मच. ऐसा क्वेश्चन भी आपने 8th क्लास में किया हुआ है, राइट. तो आप देखेंगे कि इफ यू रिमेम्बर, जब 8th क्लास में आपने ये क्वेश्चंस किए थे क्यूब और क्यूबॉइडल के, तो मैंने आपको बोला था कि 9th क्लास का कॉन्सेप्ट यहां पर हम यूज कर रहे हैं, राइट. तो वही चीज हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं. आप लोगों के लिए बिल्कुल फैमिलियर चीज है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5. 2 फिगर है हमारे पास, क्यूब एंड क्यूबॉइड, राइट. जो जो दिया हुआ है जस्ट राइट डाउन हियर. गिवन इज एज इज, ए इज गिवन 10 सेंटीमीटर एंड हियर
इन क्यूबॉइडल गिवन इज व्हाट, लेंथ इज 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 10 एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर, राइट। क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है, क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, राइट। सो इन दिस सेक्शन आई विल डिस्कस हियर अबाउट द CSA एंड TSA। सो लेट्स फाइंड आउट बोथ द थिंग्स ऑफ बोथ द फिगर। सो CSA ऑफ क्यूब वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट, CSA क्या होता है क्यूब का। CSA अगर हम बात कर रहे हैं तो CSA और लेटरल सर्फेस एरिया दोनों ही सेम चीजें होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए, राइट, विच इज इक्वल टू ट्वाइस एच इंटू एल प्लस बी, राइट। लेकिन ये तो क्यूब का नहीं होता, ये तो क्यूबॉइडल क्या होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, इट इज द फॉर्मूला ऑफ क्यूबॉइड, राइट। और दूसरा है CSA ऑफ क्यूब, वो क्या होता है, 4a स्क्वायर, राइट। मैं यहां पर पहले फॉर्मूलेस मेंशन कर रही हूं ताकि आप लोगों को ये चीजें रिकॉल हो जाए। TSA ऑफ क्यूब, क्योंकि हम हमारे पास क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, 6, सो हेयर टोटल सरफेस विल बी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विल बी 6a स्क्वायर एंड TSA ऑफ क्यूबॉइड विल बी व्हाट, ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, राइट। ये चारों फॉर्मूले हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ओके। ये बीच में मैंने आपको यूज नहीं करना है, मैंने थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए चीजें मेंशन किए हैं यहां पर। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सो हियर CSA ऑफ क्यूब विल बी इन दिस केस 4 इंटू 10 होल स्क्वायर विच विल बी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड CSA ऑफ क्यूबॉइड विल बी, CSA मैंने मेंशन नहीं किया है, किया हुआ है ऊपर टॉप में, ट्वाइस h इंटू एल प्लस बी, जस्ट अप्लाई द वैल्यूज, ट्वाइस इंटू एट 12.5 प्लस 10, राइट, सो इट इज 16 एंड हियर इट विल बी 22.5, राइट। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई दिस, थ्री सिक्सटी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप कंपेयर करके बताइए कि किसका CSA ज्यादा नजर आ रहा है आपको यहाँ पर, ऑब्वियसली बात है क्यूब है, राइट, विच इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली फाइंड आउट योर TSA, TSA क्या है, 6a स्क्वायर, इट्स 600 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हियर TSA विल बी ट्वाइस एल बी, आई एम जस्ट गोइंग टू मल्टीप्लाई हियर डायरेक्ट वैल्यूज, 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5, ओके, सो इट विल बी 125 प्लस 80 प्लस 12.5 इंटू 8, हंड्रेड, ओके। सो यहां से हमें क्या वैल्यू मिल रही है, टोटल विल बी आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी आर गेटिंग 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब यहां पर किसका TSA ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है 610 इज बिगर देन 600, राइट, सो TSA ऑफ क्यूबॉइडल विल बी मोर इन दिस केस। सो एट द एंड यू हैव टू मेंशन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, विच बॉक्स हैज अ ग्रेटर लेटरल सर्फेस एरिया, किस बॉक्स का लेटरल सर्फेस एरिया ज्यादा है। हमारे पास आप देखेंगे लेटरल सर्फेस एरिया मीन CSA किसका ज्यादा है, क्यूब का, सो आंसर विल बी क्यूब। और साथ में यहां पर यह पूछा गया है बाय हाउ मच, सो वी हैव टू ऑल्सो राइट आंसर ऑफ हाउ मच। सो इन दिस केस यू हैव टू राइट डाउन लेटरल सर्फेस एरिया of cubical box is greater, right? किससे greater है बेटा, cuboidal box से, greater than cuboidal box, कितना है
वो भी हमें बताना है बाय सब्ट्रैक्ट करके बता दो 400 में से बड़ी यूनिट में से छोटी यूनिट माइनस कर दो तो कितना हुआ हमारे पास, इट इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रेटर, राइट। सिमिलरली यू हैव टू ऑल्सो राइट अबाउट द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट इज अबाउट टोटल सर्फेस एरिया। सो टोटल सर्फेस हमारा क्यूबॉइडल का ज्यादा है, जस्ट राइट डाउन टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स इज ग्रेटर देन क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है, वो कितना है तो बड़ी यूनिट में से छोटी यूनिट माइनस कर दो, सो हेयर इट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई। नाउ मूविंग टूवर्ड्स ऑन माई लास्ट क्वेश्चन, आई एम जस्ट गिविंग यू हेयर हिंट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई। सो हेयर यू कैन सी Parveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covers all the four sides and the top of the car. Parveen क्या करना चाहता है, कार के लिए एक शेल्टर बनाना चाह रहा है और वो क्या करना चाह रहा है कि चारों साइड को वो कवर करेगा और कार के टॉप को भी कवर करेगा, ठीक है, विद द फ्रंट फेस एज अ फ्लैप विच कैन बी रोल्ड अप। Assuming that the stitching margin are very small, जो stitching margin वो ले रहा है काफी small ले रहा है, वो बिल्कुल negligible है, how much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 meter with base dimension 4 meter into 3 meter, ठीक है। तो जो जो चीजें पहले यहाँ पर दी हुई हैं पहले वो mention कर लेते हैं अपने question में ताकि वो हमारे लिए easy हो। So हमें यहाँ पर क्या given है इस question में, यहां पर लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ शेल्टर, राइट। यहां पर आप देख रहे हैं जो डायमेंशन बेस डायमेंशन दिया हुआ है ट्रैपोलिन का, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है 4 मीटर इंटू 3 मीटर, इट मीन्स लेंथ इज 3 या 4 एंड ब्रेथ इन दिस केस वी हैव गिवन 3 मीटर, राइट। अब यहां पर आप देखेंगे जो शेल्टर की जो हाइट है, राइट, हाउ मच ट्रैपोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट, मतलब यहां पर हमें तीनों डायमेंशन दिए हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। तो यहां पर एक चीज नोटिस करो कि जो हम जो हमारी गाड़ी है, गाड़ी के इस गाड़ी को कवर करने के लिए उसने क्या किया, उसने चारों तरफ से उसको कवर किया और टॉप का पार्ट कवर किया, इट मीन्स इट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ फोर वॉल। हम गाड़ी के चारों पार्ट क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं ट्रैपोलिन से, प्लस उसका टॉप पार्ट कवर कर रहे हैं, प्लस एरिया ऑफ रूफ, राइट। एंड यू नो दैट एरिया ऑफ फोर वॉल्स इज ट्वाइस एच इंटू एल प्लस बी एंड एरिया ऑफ वॉल विल बी एल इंटू बी, राइट। हमारे पास तीनों डायमेंशन दी हुई हैं, वो अप्लाई कर देना आप। लेकिन पूछा तो यहां पर ट्रैपोलिन के बारे में है, सो दिस एरिया विल बी इक्वल टू द टोटल एरिया ऑफ ट्रैपोलिन विच इज रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर, राइट। सो इट विल बी इक्वल टू द टोटल रिक्वायर्ड ट्रैपोलिन टू मेक शेल्टर, ठीक है। जस्ट अप्लाई ऑल द थिंग्स, आई हैव गिवन डायमेंशन इन मीटर, सो यू कैन अप्लाई डायरेक्टली। सो हियर इट विल बी 5.0, इट मीन्स 5 इज 35 एंड इट्स 12 एंड इट विल बी 47 मीटर स्क्वायर। तो कितना मीटर स्क्वायर ट्रैपोलिन की रिक्वायरमेंट है, 47 मीटर स्क्वायर। हालांकि वो ट्रैपोलिन को स्टिचिंग भी करेगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि वो जो स्टिचिंग मार्जिन है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, सो नो नीड टू ऐड एनी डायमेंशन इन दिस गिवन लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ रेस्ट क्वेश्चन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ ऑफ दिस एक्सरसाइज, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई एरिया ऑफ क्यूबॉइडल एंड क्यूबिकल शेप।